खरगोन जिले के भिगनगांव नगर के वार्ड में लगभग 4 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के हाथों से किया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने बताया कि बस स्टैंड का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद बस स्टैंड किया गया है। भिगनगांव से शक्ति धनगर की रिपोर्ट। आज लगभग नगर परिषद भिगनगांव के 4 करोड़ से अधिक के राशि का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। इस नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक 1200 गरीबों को 2.5 लाख रुपए नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूर कर गरीबों के घर का सपना पूरा कराया है। और यहाँ पे अभी सामने ही जल जीवन मिशन, ये भी भारत सरकार का, मोदी जी का, गांव-गांव में पाइपलाइन से पानी पिलाने का उनका प्लान है, स्कीम है, उसके भी आज जनपद की तरफ से यहाँ पे भूमि पूजन हो रहा है। सर, आपके संसदीय क्षेत्र में 2 जगह पे उपचुनाव होना है। अब कांग्रेस यहाँ पे टिकाऊ और बिकाऊ के रूप में नारा देकर चुनाव लड़ रही है, आपकी जो भूमिका है या दोनों सीट पे जीत की उम्मीद है? देखिए, दोनों जगह पे उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दी, और कांग्रेस पार्टी ने ही छोड़ी, उन्होंने मंत्री पद भी छोड़ दिया, उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दिया। और आज ये जो कांग्रेस के लोग बौखला कर कह रहे हैं बिकाऊ और गद्दार, उन्होंने कहा कि गद्दार तो कमलनाथ सरकार थी जिन्होंने गरीबों को धोखा दिया, बड़ी बड़ी योजनाओं के सपने दिखाकर 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का, गरीबों के घर वापस कर दिए। आपके भिकनगांव में ही जो घर आए थे उसमें राज्य सरकार का जो 40% पैसा मिलना था वो नहीं मिला, तो घर वापस चले गए थे। अब शिवराज जी के आने के बाद वो घर बंटना फिर शुरू हुए। और ये 25 लोग श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस को इन्होंने ठोकर मारी, विधानसभा से इस्तीफे दिए, मंत्री पद से इस्तीफे दिए और चुनाव के मैदान में उतरे हैं। शिवराज ही इस प्रदेश का विकास करेंगे, उनका साथ लेकर फिर जनादेश लेने जनता के बीच पहुंचे। माननीय बीजेपी के डिजिटल रथ पे सिंधिया जी की फोटो नहीं, जिसको लेकर कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने वो डिजिटल रथ देखा नहीं है, कहीं पर वो शायद रथ पे जो सीढ़ी बनी होंगी उसमें कुछ कमी रही होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।